तो दोस्तों सब्सक्राइब करो फरियाज रिएक्शन को और घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहे हर अपडेट हमारी नई वीडियो के। तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं फरियाज रिएक्शन। आज हम बात करेंगे HTC डिज़ायर 12 प्लस के बारे में। ये फ़ोन की इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस लीक हो गई हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, इसमें आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन आजकल जो नए फ़ोन्स निकल रहे हैं नॉच डिस्प्ले के साथ, आईफोन एक्स हो गया, वन प्लस सिक्स हो गया, ओप्पो का आ रहा है, एसो ज़ेनफोन 5 हो गया, इनकी तरह ये नहीं है। 18:9 रेशियो के डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन है। तो अगर आप HTC के फ़ैन हैं तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये फ़ोन। स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताऊंगा, वो भी इतनी ख़ास नहीं है इस वैसे, लेकिन लीक हुआ है तो मैं सोचा शायद बताना ज़रूरी है कि कई लोग तो HTC पसंद करते हैं, उनके लिए ठीक रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 1440x720 पिक्सल्स इसमें आपको मिल जाते हैं, 18:9 रेशियो डिस्प्ले के साथ ही आता है। कैमरे की बात करें तो रेयर कैमरा इसमें आपको 30 मेगापिक्सल मिलेगा, फ्रंट 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर मिलेगा, 3 GB की रैम होगी, 32 GB इसमें इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगी। बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी होगी, प्लस क्विक चार्ज 3.0 की टेक्नोलॉजी वो आपको इसमें मिलेगी, जिससे जल्दी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 8.0 ओरियो मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। प्राइस तो अभी कुछ नहीं पता चला है, लेकिन अगर लॉन्च डेट की बात करूं तो जून या जुलाई में ये लॉन्च हो सकता है। तो हालांकि देखा जाए तो अब आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें प्रोसेसर भी बहुत अच्छा आ रहा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा आ रहा है, कह नहीं सकता कि ये फ़ोन कैसा चलेगा, बट HTC फैंस के लिए ये फ़ोन ठीक ही है। प्लस मेरे ख्याल से इतने ऐसे स्पेसिफिकेशन में इनको रेंज तो कम ही निकालनी चाहिए, तो कम रेंज का फ़ोन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।